परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अद्भुत गवाही दी और सभी मेरे पास्टर साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ये गवाही का मौका दिया। मैं राजस्थान जिला भरतपुर गांव जगीना से बोल रहा हूँ। मैं एक दिन फेसबुक चला रहा था, फेसबुक चलाते चलाते तो अचानक ही नीट नाम के चढ़ से प्रार्थना चल रही थी, एक वचन सुना रहे थे, तो मैं वहाँ पर रुक गया, उन्हें उनको मैं सुनने लगा। मुझे वचन बहुत अच्छे लगे, मैं उनसे प्रभावित हुआ। तो प्रभावित हुआ, जब प्रार्थना समाप्त हो गई तो इन्होंने दान की, वहाँ पर दान के बारे में बात चली, तो सभी दान कर रहे थे वहाँ पर, जो जितने वहाँ पर लोग होंगे वो सभी कर रहे थे। मैंने ये सोचा अपने आप में, तो मैंने सोचा कि यार सब वहाँ पे सब लोग दान कर रहे हैं और मैंने भी प्रार्थना सुनी तो मुझे भी दान करना चाहिए, तो मैंने भी परमेश्वर के नाम से दान किया। तो तभी थोड़ी देर बाद पास्टर जी का मेरे पास कॉल आता है। पास्टर जी दान परमेश्वर के भवन में दान करने के लिए मेरा धन्यवाद करते हैं और उन्होंने मुझे प्रार्थना की। तो उससे पहले मैं क्या है, प्रार्थना सुनने से पहले मैं एक चिंता में डूबा हुआ था कि यार मेरे जो पैसे उस पर उन पर फंसे हैं वो कैसे आएंगे, क्या होगा। तो पास्टर जी ने जैसे मेरी उस दिन में दान किया, तो पास्टर जी ने मेरी प्रार्थना की, तो दूसरे दिन ही वो पैसे मेरे वापस आ गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और एक गवाही और है कि मैं रात को सो रहा था, करीब रात के 2 बजे की बात है, तो अचानक ही कोई एक शैतान दुष्ट आत्मा आती है और वो मुझे जकड़ लेती और मुझे हिलने भी नहीं देती। तभी मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता हूँ, हे प्रभु मुझे बचा। तो तभी पवित्र आत्मा आता, सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों में वस्त्रों में आते हैं और मुझे मेरे कान में दूसरी भाषा में अन्य भाषा में मुझे कुछ शब्द कहने सिखाते हैं। तो मैं जैसे वो मुझसे कान जैसे ही वो आवाज़ आती है मैं वैसे ही बोलता जाता हूँ। तो मैं क्या था, थोड़ी देर बाद जैसे जैसे मैं बोलता थोड़ी देर बाद जो दुष्ट मुझे पकड़े रखता जकड़ता है मुझे मारना चाहता था वो मुझे छोड़ के भाग गया। मैं देखता हूँ कि वो छोड़ के भाग रहा है, मैं कहता हूँ भाग क्यों रहा है, आ जा प्रभु अब मेरे साथ हैं। सभी को जय मसीह की, बस यही मेरी गवाही है। मैं पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ, सभी कलीसिया परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की।